नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। आज की जानकारी बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। प्रिय दर्शकों, ये कहावत तो आपने बखूबी सुनी होगी कि कौवा चले हंस की चाल, ये मुहावरा बहुत प्रचलित है। आज इसी कहानी को हम आपको सुनाने वाले हैं। ये बहुत प्राचीन और बहुत ही प्रचलित कहानी है। ये कहानी ऐसे लोगों पर आधारित होती है जो लोग एक दूसरे की होड़ करने में लगे हुए होते हैं, जो लोग एक दूसरे से ज्यादा श्रेष्ठ दिखने में लगे हुए होते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि सामने वाले से मैं श्रेष्ठ हूं, और वो श्रेष्ठ बनने के चक्कर में अपनी सारी जमा पूंजी गंवा देते हैं, अंत में उनको पछताना पड़ता है। ऐसे लोगों पर यह कहानी बिल्कुल सत्य होती है। ये वो लोग होते हैं जो दूसरे की खुशी को देखकर दुखी होते हैं। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाइए, ऐसा करने में आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिसकी आप होड़ कर रहे हैं, जिनकी आप बरोबरी करना चाहते हैं, हो सकता है वो लोग बहुत पैसे वाले हों और आप उनकी होड़ करके और पैसे वाले बनने का यदि ढोंग करते हैं तो आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि सामने वाले के पास तो बहुत सारा पैसा है, वो गाड़ी भी रखेगा, बंगले भी बनाएगा, नौकर चाकर भी होंगे। यदि आप भी उनकी बरोबरी करते हैं, आप भी उनकी होड़ करते हैं, उन जैसा दिखने की कोशिश करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, हो सकता है आपको रोड पर भी आना पड़ जाए। क्योंकि यदि आप पैसे वाले की तरह दिखने का ढोंग करते हैं तो उनकी तरह आपको गाड़ी भी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, और गरीब आदमी गाड़ी मेंटेनेंस नहीं कर सकता, इसलिए कभी किसी की होड़ ना करें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्रिय दर्शकों, कौवा चले हंस की चाल, ये कहावत और ये कहानी बहुत पुरानी है। शुरू करते हैं इस कहानी को। वीडियो हमेशा पूरा देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। प्रिय दर्शकों, यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी और उसका पूरा सार भी आपको समझ में आएगा। लीजिए कहानी शुरू करते हैं। एक समुद्र के पास में एक नगर था। उस नगर में एक कौवा रहता था। वो कौवा बड़ा अष्टपुष्ट था, क्योंकि वो जो कौवा था उस नगर के आसपास किसी अन्य पक्षियों को भटकने भी नहीं देता था। उस नगर के आसपास मिलने वाला तमाम भोजन वो स्वयं ग्रहण करता था, अन्य पक्षियों को वहां पे आने भी नहीं देता था, नजदीक भी नहीं आने देता था। यदि गलती से कोई पक्षी उस नगर के आसपास आ भी जाता, उस समुद्र के आसपास आ भी जाता, तो वो कौवा उसको दौड़ा दौड़ा करके भगा देता, उस पक्षी को रुकने नहीं देता। वहां पे जितना भी भोजन मिलता स्वयं वो कौवा खाता, और वो कौवा अच्छा भोजन खा खा के और अष्टपुष्ट हो गया, ताकतवर हो गया। प्रिय दर्शकों, सारे पक्षी उस कौवे से डरने लगे थे, क्योंकि वो कौवा उनका पीछा करके और भगाता था, उनसे झगड़ता था, लड़ाई करता था। क्योंकि कौवा अच्छा भोजन खा के और अष्टपुष्ट हो गया था, इसलिए उस कौवे से अन्य पक्षी जीत नहीं पाते थे, और वो कौवा उनको मार पीट के भगा देता था। कौवे को अब इसी बात का घमंड होने लगा। कौवा सोचने लगा कि मेरे बरोबर ताकतवर कोई नहीं है, मैं सबसे बलिष्ठ बलवान हूं, इस नगर का मैं ही राजा हूं, इस नगर में मैं राजा हूं, और जितने भी पक्षी हैं वो मेरे बरोबरी नहीं कर सकते। कौवा को इस बात का बहुत तगड़ा गुरूर हो गया, बहुत तगड़ा घमंड हो गया। कौवा इसी घमंड में चूर रहता, किसी अन्य पक्षी को कुछ समझता ही नहीं था। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है कि समुद्र के किनारे एक दिन काफी सारे हंस का टोला आ गया। जब हंस का टोला आ गया तो कौवा उनको देखकर बड़ा क्रोधित हुआ, और कौवा दादागिरी करता हुआ उन हंस के टोले के पास जा पहुंचा, और वहां जाकर के हंस जितने भी हंस थे उनके मुखिया से कहने लगा,
यहां से चली जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। यहां का राजा मैं हूं और यहां पे मेरा ही हुक्म चलता है। सभी हंसों का मुखिया खड़ा होकर के कौवे से कहने लगा कि कौवा भाई साहब, हम यहां पे घर बना करके रहने के लिए नहीं आए हैं, हम कुछ दिन रुकेंगे उसके बाद चले जाएंगे। यहां के राजा आप हैं और आप ही रहेंगे। लेकिन फिर भी कौवा नहीं मानता, क्योंकि कौवे को बहुत तगड़ा घमंड था, बहुत तगड़ा गुरूर छाया हुआ था कि मेरे बरोबर बलिष्ठ बलवान कोई नहीं है, मैं ही सबसे ताकतवर हूं। इसी घमंड में चूर कौवा बार बार उन हंसों को धमकी देता। हंस बार बार विनती करते, बार बार हंस कहते कि भाई हम कुछ दिनों के मेहमान हैं, कुछ दिन हम यहां से चले जाएंगे। सबसे ज्यादा क्रोधित कौवा हंस के रंग को देखकर हुआ, क्योंकि हंस बहुत सुंदर लगता है और जितने भी लोग वहां घूमने के लिए आते वो हंस को निहारते, हंस से मोहब्बत करते, प्यार करते। हंस की ये मनमोहक छवि देखकर और कौवा जल भुन जाता। कौवे को बहुत तगड़ा गुस्सा आने लगा, सोचने लगा कि यदि मैं जल्दी से जल्दी इन हंसों को यहां से नहीं भगाता हूं तो ये यहां के राजा बन जाएंगे। अब तो कौवा बड़ी बड़ी बातें करने लगा और हंस से कहने लगा, यदि तुम कुछ दिन यहां पे रुकना चाहते हो तो मैं जैसा कहूं वैसा आपको करना पड़ेगा। हंसों का मुखिया कहता कि भाई आप क्या चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं? कौवा कहता है, क्या तुम मेरी तरह उड़ सकते हो? जिस तरीके से मैं उड़ता हूं क्या उस तरीके से तुम उड़ सकते हो? मैं उड़ता हुआ कलाबाजी करता हूं और मेरे बरोबर कोई उड़ नहीं सकता। मैं जो उड़ता हुआ कलाबाजी करता हूं, मेरी कलाबाजी की दुनिया दीवानी हो जाती है। यदि तुम मेरी तरह उड़ सकते हो तो मुझसे प्रतियोगिता करो। हंसों का मुखिया कौवे से कहता, कौवा भाई, माना कि तुम कलाबाजी करते हो, तुम उड़ने में बहुत माहिर हो, हट्टे कट्टे हो, नौजवान हो, ताकतवर हो और तुमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, ऐसा तुम सोचते हो, लेकिन हम आपकी तरह उड़ना नहीं जानते हैं, आपकी तरह हम कलाबाजी नहीं जानते हैं। हम साधारण उड़ करके एक दूसरे स्थान पर जाते हैं, हम कोई कलाबाजी नहीं करते। लेकिन कौवा बार बार इसी बात को दोहराता। कौवे की जिद को देखकर हंसों का मुखिया हां कर लेता है और कहता है, ठीक है भाई कौवा, यदि तुम जिद कर रहे हो तो ठीक है, आपसे हम प्रतियोगिता करने के लिए तैयार हैं। कौवा हंस को परेशान करने के लिए उनकी नकल करता। हंस जिस तरीके से चलते, कौवा उसी तरीके से चलने की कोशिश करता। हंस जिस तरीके से पानी में तैरते तो कौवा भी पानी में तैरने की कोशिश करता। यानी कि जिस तरीके से हंस जो करते वही कौवा करने की हर बार कोशिश करता और हंसों को परेशान करने की कोशिश करता। अंत में जाकर के कौवे की इस हरकत को देखकर हंसों का मुखिया हां कर लेता है और कहता है, ठीक है भाई कौवा, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ हम प्रतियोगिता करें तो ठीक है, हम आपके साथ प्रतियोगिता करेंगे। इस बात की खबर सारे पक्षियों में पहुंच जाती है और सभी पक्षी कौवा की और हंस की प्रतियोगिता देखने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि सारे पक्षी कौवा से बहुत परेशान थे। सभी पक्षी ये चाहते थे कि हंस से कौवा हार जाए और सभी पक्षी इस प्रतियोगिता को देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। उधर कौवा घमंड में चूर, मद में चूर हंसा से शर्त लगाता है कि मैं जिस तरीके से उड़ूंगा उसी तरीके से आपको उड़ना है, मैं जिस तरीके से कलाबाजी करूंगा उस तरीके से आपको कलाबाजी करनी है, मैं जितनी गति से उड़ूंगा यदि आप उस गति से उड़ पाए तो आप जीत जाएंगे और आप यहां रह सकते हैं, यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा। हंस इस बात की शर्त लगा लेता है, हंस तैयार हो जाता है। प्रिय दर्शकों, कौवा और हंस दोनों उड़ान भरते हैं, समुद्र की तरफ उड़ते हुए जाते हैं। हंस अपनी रफ्तार से धीरे धीरे उड़ता है और कौवा बड़ी तीव्र गति से उड़ता है, क्योंकि कौवे में यह घमंड था कि मेरे बरोबर कोई उड़ नहीं सकता, मैं ताकतवर हूं। तो कौवा बड़ी तीव्र गति से उड़ता है और हंस अपनी ही गति से धीरे धीरे चलता है। कौवा तेजी से उड़ता हुआ कलाबाजी करता हुआ और तेजी से हंसा से काफी आगे निकल जाता है। फिर भी कौवा रुकने का नाम नहीं लेता
और तीव्र गति से जोर लगा करके तीव्र गति से उड़ता हुआ चला जाता है। हंस अपनी गति से चलता रहता है। धीरे धीरे जैसे समय गुजरा तो धीरे धीरे कौवे का सांस टूटने लगा, कौवे को दम घुटने लगा, क्योंकि कौवा इतनी तीव्र गति से उड़ रहा था तो कुछ ही क्षणों में कौवे की सांस फूलने लगी और मानो कि कौवा थक सा गया। पीछे पीछे हंस उड़ता हुआ आ रहा था, वो ये सब कुछ नजारा देख रहा था। हंस सोचने लगा कि कौवा अब थक चुका है, अब कौवे की क्षमता खत्म होने वाली है। कौवा कभी नीचे उतरता, फिर जोर लगाता, फिर थोड़ा ऊपर उड़ता, फिर नीचे उतरता था, फिर से नीचे उतर जाता और फिर से जोर लगाता। कभी कभी तो कौवा समुद्र के पानी पे टच हो जाता और कौवा फिर से जोर लगाता, फिर थोड़ा ऊपर जाता, मानो कि कौवा पानी में गिरने वाला है। हंसा अपनी गति से उड़ता हुआ कौवे के पास पहुंचता है और कौवे से कहता है, कौवा भाई, मुझे लग रहा है कि आप जैसे थक चुके हैं। यदि मेरी आवश्यकता हो तो आप मुझसे कह सकते हैं, मैं आपकी जरूर सहायता करूंगा। लेकिन कौवा मना कर देता है, कहता है कि नहीं, मुझे आपकी सहायता की जरूरत नहीं है, मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं उड़ सकता हूं। थोड़ी दूर और आगे चलते हैं तो कौवा बिल्कुल पानी के नजदीक हो जाता है, मानो कि समुद्र में गिरने वाला है। कौवा भी मन में विचार करने लगा कि आज मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि अब मैं थक चुका हूं और मेरी उड़ने की क्षमता बिल्कुल खो चुकी है। अब मुझ में वो ताकत नहीं है कि मैं यहां से आगे उड़ सकूं। कौवा वापस मुड़के भी नहीं आ सकता, क्योंकि समुद्र में बहुत आगे निकल चुके थे। नहीं तो उसकी आगे आने की क्षमता है, नहीं पीछे जाने की क्षमता है। अब तो कौवे की सामने मौत नजर आ रही है। कौवा अंत में जाकर के और कौवा हंस से कहता है कि हंस भाई, मेरे प्राण बचा लीजिए, मेरी बिल्कुल क्षमता नहीं है और मैं गिरने वाला हूं समुद्र में। हंस कौवे की इस बात को सुनकर हंस कहता है कि कौवा भाई, कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। सामने वाले की पहले ताकत का अंदाजा करो, उसके बाद सामने वाले को चुनौती दिया करो। आप अपने घमंड में इतने चूर हो गए कि किसी को कुछ समझते ही नहीं हो। प्रिय दर्शकों, हंसा कौवे से भरी भूली कहता है। हंस कहता है, यदि तुम अपने घमंड में चूर नहीं होते तो आज इस संकट में नहीं फंसते। कौवा बार बार गिड़गिड़ाता है और कहता है, हंस भाई, मुझे बचा ले, आज के बाद मैं किसी भी पक्षी जाति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा और इस नगर में सभी पक्षी रह सकते हैं। हंस अंत में जाकर के कौवे को बचाता है, अपने पंजों से कौवे को पकड़ करके ऊंची उड़ान उड़ता है। उड़ने के बाद सीधा किनारे की तरफ उड़ के आता है और किनारे पे लाकर के हंसा कौवे को छोड़ देता है और कहता है, कौवा भाई, देख लिया नतीजा, सामने वाले को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, कभी किसी की चाल नहीं चलना चाहिए। जो लोग एक दूसरे की होड़ करते हैं उन लोगों का यही हाल होता है, एक दूसरे से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ दिखने की कोशिश करते हैं, वो लोग ऐसे ही गिरते हैं। प्रिय दर्शकों, इसीलिए कहते हैं कि कौवा चले हंस की चाल। कभी किसी की चाल नहीं चलना चाहिए, कभी किसी की होड़ नहीं करनी चाहिए। जो लोग एक दूसरे की होड़ करते हैं, एक दूसरे से सर्वश्रेष्ठ दिखने की कोशिश करते हैं, उनका हाल ऐसा ही होता है। इसीलिए कभी भी किसी की बराबरी ना करें। आपके पास आपको मालिक ने जितना दिया है उस पर संतुष्ट रहें। कभी भी किसी की खुशी को देखकर दुखी नहीं होना चाहिए। जो लोग दूसरे की खुशी को देख करके दुखी हो जाते हैं, ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, ऐसे लोगों से भगवान भी नाराज हो जाते हैं। इसलिए कभी किसी की खुशी को देखकर दुखी नहीं होना चाहिए। कौवा हंस से माफी मांगता है और कहता है, हंस भाई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने ही घमंड में चूर हो गया, मैं किसी को कुछ समझता ही नहीं था। कोई भी पक्षी जाति का यहां पे पक्षी आता था, उसको मार पीट के मैं यहां से भगा देता था। यहां पे जितना भी भोजन मिलता है उस सबको मैं ही ग्रहण करता था, लेकिन मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। कौवा क्षमा मांगता है और हंस के चरणों में गिर जाता है। हंस कौवे को क्षमा कर देता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद उस नगर में सभी पक्षी बड़े आराम से रहने लगे और कौवा सबसे मित्रता करके उस नगर में रहने लगा।
इसलिए कहते हैं कि कभी घमंड मत करो। जो लोग घमंड करते हैं उनके साथ ऐसा होता है, उनका घमंड एक दिन टूट जाता है। शेर से सवा शेर जरूर मिलता है। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी और आप इससे प्रेरणा भी लेंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।